जिस भाई ने ये वीडियो मुकम्मल देख लिए और दावे के साथ कहता हूँ कि वो इलेक्ट्रिशियन का काम सीख जाएगा, इस वीडियो के दो पार्ट हैं। पार्ट वन है और इसके बाद इंशाल्लाह पार्ट टू अपलोड करेंगे। हर चीज़ चालू की गई है इसमें, एक एक चीज़ प्रॉपरली तरीके नाल बताई गई है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। तो वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने तमाम भाइयों को यूट्यूब चैनल जमाल द कमाल अटोल में खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, जो आज हम सीखने वाले हैं कि बाइक की वायरिंग के मुतल्लिक मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ, कुछ गाइड करता हूँ और आपको कुछ सिखाता हूँ कि वायरिंग आप कैसे चालू कर सकते हैं, या आपका कोई भी इशारा बंद हो जाए, या LED लाइट लगानी हो वो कैसे लगती है। तो आज इस गाड़ी की मुकम्मल वायरिंग करेंगे और साथ साथ हम आपको बताएंगे कि ये वायरिंग कैसे होती है और कौन सी तार कहाँ पे लगती है। तो करंट का भी निज़ाम सारा जो है वो भी सीधा करेंगे और वायरिंग के इशारे, हॉर्न, मीटर, बैक लाइट, हर चीज़ चालू करेंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम मीटर का ग्रिप जो आ रहा है ना ऊपर से, ये तीन बल्ब जो होते हैं उनका ग्रिप जो आ रहा है वो हम लगाएंगे। तो ये ग्रिप लग चुका है। अब इसके बाद हम स्विच वाली जो लाल तार है ना ये लगाएंगे, और इसके बाद ये है इशारे की तार, फ्लैशर की तार ये लगाएंगे। और साथ साथ ये भी ख्याल करेंगे कि वायरिंग बहुत ही प्रॉपरली तरीके से, हर चीज़ जो है तार वगैरह कहीं पे वाल ना आ जाए किसी तार में, फिर ऐसा तारें बुरी लगती हैं। और ये हारन की तार है, ये जो तारें आ रही हैं ये असम्बली में से आ रही हैं, यहाँ में ऊपर जो बटन लगे होते हैं उनमें से आ रही हैं। तो आपने जस्ट करना क्या है, कलर से कलर मिलाना है, जो कलर है उसके मुतालिक जो तार आगे लगी हुई है वो आपने लगानी है। ये स्विच वाली तार है, यहाँ पे ये भी है कि आप कभी चाबी घूम जाए बाइक की तो आप हेडलाइट खोल के इस तार को निकाल सकते हैं, गाड़ी ड्रैक हो जाएगी, स्विच ऑन हो जाएगा बगैर चाबी के। ये भी लगी, और इसके बाद ये स्विच का अर्थ है, ये लगा लेंगे। अब इसके बाद ये दो तारें आ रही हैं इशारे की, इस साइड वाला इशारा है इसकी, ये दो तारें हैं, एक अर्थ वाली और एक करंट वाली। ये अर्थ वाली लग गई और करंट वाली लगाएंगे, ये करंट वाली है, माल्टा कलर तार है, सारा तार लग गई। और इसके बाद ये जो पीली तार देख रहे हैं ये मेन हेडलाइट की होती है। तो हेडलाइट अगर आपका पीला बल्ब लगा हुआ है तो फिर तो आपने यहीं पे लगानी है, हमने इसमें लगानी है LED। तो LED के लिए हमें ये ब्लैक तार आ रही है ऊपर स्विच में से, जो स्विच में से तार आ रही है हम इसमें लगाएंगे इसको। और ये इस इशारे की तारें हैं ये दो, कलर सेम है क्योंकि इशारे नए लगाए हैं तो इसलिए ये एक ही कलर है। तो इस साइड वाली आपने ये माल्टा कलर वाली तार में लगानी है और ये अर्थ में लगानी है। और अब ये जो दो इशारे हैं उनकी तारें हम लगाएंगे इधर इस तार में, लेफ्ट वाला इशारा जो है वो इस तार में लगाएंगे, ये जो हल्की है नीली है, और ये पीछे जो इशारा लगता है ये उसकी तार है, ये सेम होती है, और ये इशारा नया लगा है डुप्लीकेट तो वो तारें सेम होती हैं उसमें। उसके बाद ये तार है ब्लैक, इसको स्विच वाली तार में लगाएंगे ब्लैक, ये हारन की होती है मेन असम्बली की। और इसके बाद ये पीछे जा रही है फ्लैशर में तार, जो इशारे चलाता है फ्लैशर उसमें जा रही है, और ब्रेक स्विच में जा रही है। और इसके बाद ये जो तार देख रहे हैं आप ये इशारे की है,
और इसको माल्टा कलर माल्टे से। अच्छा अब हमारे पास ये तीन तारें रह गई हैं, ये लगानी है। ये दोस्तों तार जो है सबज कलर है, ऊपर पीली पट्टी है, पीली लकीर है ऊपर। ये है ब्रेक स्विच की तार, जिससे ब्रेक दबाते हैं तो लाइट ऑन हो जाती है, बाइक लाइट। तारें ज़रा इसकी छोटी हैं इसलिए। तो इधर से सारी तारें लग चुकी हैं, दो हारन की तारें होती हैं वो भी लगा दी हैं। अब सिर्फ LED रहती है, वो भी हम अभी लगाते हैं, आपको दिखाते हैं कि वो कैसे लगती है। लेकिन उससे पहले